अच्छा व्यूवर्स, आज हम बदामी बाग में जो प्रॉपर्टी का जो है ना सूरत हाल, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बदामी बाग में प्रॉपर्टी की जो है क्या रेट है, क्या सूरत हाल है, और मेरे कज़न हैं वकास साहब और खावर भट्ट साहब, उनके साथ जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है। तो आज हम थोड़ा सा बदामी बाग का इलाका भी आउटडोर से हम आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये मैं इस वक्त बदामी बाग का इलाके में मौजूद हूँ। ये है जी शेरशाह रोड दाता नगर। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, ये सब्ज़ी मंडी भी इसी तरफ ही है, और ये उस्मान चौक है जी, ये उस्मान चौक। ये मेरे सामने आप अगर देख रहे हैं, ये रफ़ीक स्वीट और ये सामे स्वीट बेकरी की दुकान। ये आज से कोई 20 साल पहले ये 10 लाख रुपए में ये जगह मिल रही थी, 10 लाख रुपए में, और आज इस जगह का रेट 4 करोड़ रुपया लग चुका है। ये 4 करोड़ में वो बेकरी नहीं दे रहा, यानी कि ये इतना पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है बदामी बाग, लेकिन यहाँ का रेट ही बहुत ज़्यादा है। ये जी, मैं इस वक्त बदामी बाग दाता नगर लाहौर में मौजूद हूँ। ये जगह देखें ज़रा, और ये एक पार्क है जी, ये आप देखें, और ये सारी जो जगह है जी, ये यहाँ पर मैं बस आपको दिखाने का मकसद ये है कि बदामी बाग का इलाका थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पर जो है ना रेट बदामी बाग का बहुत ज़्यादा है, और मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पर रेट इतना ज़्यादा क्यों है। ये तो मैं जब गुफ्तगू करूँगा अपने कज़न से तो उनसे फिर जानेंगे वजह कि इधर रेट क्यों इतना ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और उसी की अता के साथ जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक भी मैं वकास भाई के घर आया हुआ था, आज भी मैं वकास साहब के साथ आप मौजूद हूँ। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आए हम वॉक करते हैं। वकास साहब, मैंने ना अपने व्यूवर से ना वादा किया हुआ था कि ना कुछ बदामी बाग का जो प्रॉपर्टी का जो इलाका है ना, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई गुफ्तगू करेंगे। तो आप पहले ये बताइए कि आप कितने अरसे से बदामी बाग में रह रहे हैं? यार हम, मेरी तो पैदाइशी इसी एरिया में। अच्छा, ये अच्छा 30 साल से ऊपर। 30 साल से ये शुमाली लाहौर का इलाका है जी? जी बिल्कुल। वकास साहब, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, ये अगर आप माइंड ना करें, ये लाहौर के पसमानदा तरीन इलाकों में आता है, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मंडी भी है, जी जी। और दूसरा भी है, दूसरी भी आसपास पसमानदा तरीन इलाके हैं, लेकिन यहाँ का रेट प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह ये है कि बदाम बाग जहाँ से स्टार्ट होता है ना, फाटक वाली साइड से जी, जहाँ पर स्टेशन है छोटा सा जी, जी। उसके साथ ना मार्केट्स हैं, ऑटो अच्छा। मार्केट्स है, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट्स है, जिसकी वजह से जो है ना इस जगह की वैल्यू ज़्यादा है। साथ पीछे शाहबाग लगता है, बंगाली बाग है, हुसैन पार्क है, तो कंजेस्टेड एरिया 5 लाख से ज़्यादा इसके बाद। अच्छा, उसके बिल्कुल साथ ही जो है बैक साइड पर फैक्ट्री एरिया भी है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। फैक्ट्री एरिया है, इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और मार्केट्स भी साथ है, मार्केट भी साथ है। तो वकास साहब, आपके ख्याल से अंदाजन, अब यहाँ पर तो कोई प्लाट्स तो खाली होंगे नहीं, बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पर 5 मरले का घर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, आपके ख्याल से कितने का मिल जाएगा? आप कम से कम 5 मरले घर करोड़ तक अपने जहन में रखें। 1 करोड़ जी, लाहौर के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक इलाका है, और 1 करोड़ का घर जी? जी बिल्कुल। मतलब इतना महंगा तो गालबन हो सकता है शायद डिफेंस में भी ना। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पर फैक्ट्रीज और मार्केट्स की वजह से जी जी इस जगह की वैल्यू ज्यादा है। फिर ये है कि यहाँ पर फ्रूट मंडी, अच्छा लाहौर की जो सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है वो भी इधर है, और फिर उसका जो है बाय रोड पुल के जरिए इस इलाके में कनेक्शन है। अच्छा, करीब इसके जो है वो रेलवे स्टेशन है छोटा, जिसको स्टेशन यहाँ, और बसों का लारी अड्डा भी इसके साथ लगता है। अच्छा, लेकिन वकास साहब फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पर अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर कोई मूव हो रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पर लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, और रुझान कैसा है इधर? अच्छा, मैं आपको चलते हुए साथ साथ बताऊँ। अच्छा, ऐसा है कि अब रहने के वाले से तो मैं यहाँ का रहशी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, रह सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इधर सच है, लेकिन अगर आप फैसिलिटीज़ वाइज देखें, एनवायरनमेंट वाइज देखें, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ से बाहर रहें, बाहर रहें किसी सोसाइटी के अंदर जो अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि सिक्योरिटी वाइज अगर देखें तो ये इलाका इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। अच्छा, मैं फ्रेंकली आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, और तीसरा ये है कि
आप मैंने एक का पूछा था, मैं लाल भूल गया। लेकिन अच्छा मैं वही आपको बताता हूँ वकास साहब, अगर आप लोकेशन की बात करें ना इस इलाके की, यहाँ से लाहौर का एग्जिट भी बहुत करीब है, यानी कि चिटी रोड, आपने लाहौर से बाहर जाना वो भी करीब है, शादरा भी करीब है, सब्जी मंडी भी इधर है, यहाँ पर लोहिया मार्केट भी है, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट, बादामी, हाँ जी बादामी बाग ऑटो मार्केट भी है। ये तो एक सोना है मेरे नजदीक इलाका, इसलिए जी जी इसलिए इस इलाके की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि कुछ अरसा इधर रहा, मतलब इधर मैं आता जाता रहता हूँ, तो यहाँ पर और गोबर भी यहाँ पर बिखरा होता है, तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि यहाँ पर गोबर भी है, गायें वगैरह भी चल रही हैं, और प्रॉपर्टी की बात करें 25 लाख से कम मरला नहीं है। वजह ये कि रावी इसके साथ लगता है, रावी इसके साथ लगता है जिसकी वजह से भैंसे वगैरह यहाँ पर ज्यादा। अच्छा, और गुजर बरादरी का बहुत ज़्यादा होल्ड है उन इलाकों में, रावी के आसपास। अच्छा, भैंसे हैं उनके पास, तो दूध जो है वो उस इलाके से मेजोरिटी इस इलाके में सप्लाई होता है, अबदाबा के इलाके में, इसलिए आपको ये नज़र आती है। पहले यहाँ ज़्यादा थी गली मोहल्लों में, अब ये है कि गवर्नमेंट सख्ती कर दी थी, रेजिडेंस इलाकों से उनको निकाल दिया था भैंसे वगैरह को, तो अब वो सारे चले गए हैं रावी की तरफ, जिसको बन कहते हैं लोग, बनो पार पंजाब में, या कहते हैं ये सारे ज़्यादातर वहाँ चले गए, इसलिए पहले यहाँ नज़र आती थी ज़्यादा गली मोहल्लों में, अब नहीं नज़र आती आपको ज़्यादा। अच्छा वो कहा सकते क्योंकि बादामी बाग चूँकि काफ़ी बड़ा इलाका है, यहाँ पर चिंगची ज़्यादा नज़र है, क्योंकि बादामी बाग काफ़ी बड़ा इलाका है, काफ़ी इलाकों के आपने नाम भी लिए हैं, जितने भी इलाकों के आपने नाम लिए हैं उनमें से सबसे बेहतर आपके नज़दीक कौन सा ऐसा मोहल्ला या इलाका है जहाँ पर फैमिली के साथ रहा जा सकता है? वो आप दाता नगर का एरिया, दाता नगर सैन बारक, इसके अलावा आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे जी अगर आप बादाम बाग में पूछ रहे हैं जी जी, तो फिर ये बैक साइड जहाँ अभी पार्क में हम बैठे खड़े हैं जी जी, इसके जो बैक साइड का इलाका है वो दाता नगर है जी जी, वो थोड़ा सा आपको। अच्छा चलें जी वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे व्यूवर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से बादामी बाग का भी इलाका उन्होंने कहा था कवर करें, तो आज आपने टाइम दिया। तो व्यूवर जी ये वकास साहब थे, मेरे कज़न हैं, ये बादामी बाग में रहते हैं, और बादामी बाग के इलाके के बारे में इन्होंने काफ़ी आपको बताया है, यहाँ पर रेट क्यों ज़्यादा है, क्या वजह है, तो यहाँ पर फैमिली के साथ आपको मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी रायगा नहीं जाएगी। आज बादामी बाग का इलाका कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें कुछ सड़कें भी टूटी फूटी सी हैं, ये देखें शोर बड़ा है, इधर रश बहुत है। प्रॉपर्टी के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन जगह बहुत महंगी है इधर, ये देखें हम तो ये दोबारा उस्मान चौक की तरफ जा रहे हैं। एक फ़ायदा इधर है कि जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर फल और फ्रूट की कमी नहीं होती, क्योंकि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी यहाँ पर पास है, काफ़ी बिजी इलाका है। अभी मौका नहीं है कि मैं आपको कोई साइट पर विज़िट कराता, दामी बाग के कोई जो एम्प्टी एरिया वो दिखाता, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आऊँगा तो बादामी बाग की प्रॉपर्टी पर फुल फ्लैश वीडियो बनाऊँगा। ये चौक है, ये सड़क जो है मंडी से ट्रैफिक किधर आ रही है, ये था जी हमारा बादामी बाग की प्रॉपर्टी के हवाले से व्लॉग। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।